दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अमर सिंह। तो आज एक नई वीडियो लेकर आया हूं और इस वीडियो को एक्चुअली मांग भी है और ज़रूरत भी। और ज़रूरत इस चीज़ की है कि हमारे जो डीलर बंधु हैं या मैनेजर बंधु हैं, तो कई ऐसे डीलर्स हैं जिनकी डिक्लेरेशंस पुरानी पड़ी हुई हैं और वो कई बार कर नहीं पाते हैं कि अपनी पुरानी डिक्लेरेशन को कैसे करें, क्योंकि कई मेरे को पूछते हैं कि क्या ये डिलीट हो सकती हैं, ना करें तो कैसे होंगी। तो उसको करने का जो तरीका है वो मैं आज आपको दिखा रहा हूँ। उसके लिए हमें खोलना है अपना थर्ड वाला लिंक, ठीक है, SDMS वाला। सो ये आ गया 33 इंडियन एक्सेस इंडियन ऑयल .in, ठीक है, और इसको खोल दें। ओके, तो करेंगे कैसे? एक्चुअली सबसे पहले हम सबसे पुराना वाला जो हमारा वो है, क्या कहते हैं, डिक्लेरेशन, पहले उसको करेंगे, फिर नया वाला करेंगे, फिर करेंगे। जैसे कि यहाँ पे एम्प्लॉय ईवैल्यूएशन यहाँ हो चुका है, ये बस दिखा रहा है, सो यू डोंट वरी अबाउट इट, सो इट्स फाइनलाइज। यहाँ पे तीन है मेरे पास, 7 तारीख और 8 तारीख। अब कई बार डीलर बंधु होते हैं जो आज की डेट वाला या नया वाला करेंगे तो, लेकिन उसमें उनका पुराना वाला, पहले उनको पुराना वाला करना होगा। मुझे पहले 7 तारीख की डिक्लेरेशन करनी होगी, तभी 8 वाली डिक्लेरेशन मेरी फाइनलाइज होगी। मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे मुझे अपनी 8 वाली करनी है, तो मैंने डिक्लेरेशन पे क्लिक किया, नेट आ तो रहा है, थोड़ा साइट शाम को थोड़ा सा धीमी हो जाती है, सो उसकी अपने को दिक्कत नहीं है। अच्छा, आज सोच रहा हूँ एक वीडियो और बनाऊंगा कि किस तरीके से हम आपकी वर्क परमिट बनाते हैं, और वर्क परमिट वो भी मान लीजिए हमारा फोकोट में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, ठीक है, उस फोकोट में दोबारा से काम होना है तो वो कैसे होगा, उसके लिए कुछ दूसरी फॉर्मेलिटीज़ आ चुकी हैं तो वो हम कैसे करेंगे। क्या हुआ इसको, थोड़ा सा इसको रिफ्रेश कर दें। चेंज करें अपना वाला, ठीक है, खुल नहीं रहा है, बड़ा पंगा है। क्या हो रहा है, ये देखिए, ये यही पंगा है, ये पंगा है। सो सर्वर इज बिजी, अब खुलेगा शायद, हाँ ये खुल गया। ये जैसे अब मैं पहले आज वाली डिक्लेरेशन आपको करके दिखाता हूँ कैसे करेंगे। आज वाली करेंगे लेकिन ये सबमिट ही नहीं होगा। डिक्लेरेशन पे क्लिक किया, दोबारा हमने डिक्लेरेशन पे क्लिक किया, ये आ गया, देखिए 7, एक्चुअली 15 है। तो आप यहाँ पर जाकर इसको पूरा खोल सकते हैं। सो मैं इनको सबको यस यस कर देता हूँ। ये देखिए, ऑल रिक्वायर्ड ऑफ OISD इज कंप्लीटेड, ई लेजर में जो भी है, वर्क परमिट के लिए क्या परमिशन दी जाती है।
क्लिक किया और ऊपर आए, ये देखिए यहाँ पे 1500 आ जाना चाहिए, सब हो गया सिकंदराबाद। अब देखिए इसको सबमिट करोगे, ये सबमिट नहीं होगा, आ गया प्लीज सबमिट प्रीवियस डिक्लेरेशन, आ गया बिफोर दिस। ये नहीं होगा कब तक, जब तक हम अपनी पुरानी डिक्लेरेशन को मतलब 7 तारीख वाली को नहीं करेंगे। तो आज वाली डिक्लेरेशन मुझे करने के लिए मुझे अपनी पुरानी वाली डिक्लेरेशंस को करना ही पड़ेगा, करना नहीं पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। और मैं सभी डीलर बंधुओं और मैनेजर्स से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपनी डिक्लेरेशंस को ज़रूर कर लें, क्योंकि कई जगह डीओज में जैसा कि मेरे को पता चल रहा है सप्लाई ब्लॉक कर देते हैं, दूसरी चीज़ें हो जाती हैं, तो कोई ऑफिसर आपको क्यों बोल पाए, तो उसको बोलने का मौका नहीं देना है ना बॉस। तो ये यहाँ अगर कर दिया तो अपना एक काम हो जाएगा, और इसमें करने में 2-3 मिनट से ज़्यादा नहीं लगते हैं। एक बार आप अपने पुराने सारे डिक्लेरेशन एक एक करके कर दीजिए, उसके बाद फिर पर डे एक डिक्लेरेशन आती है तो वो बड़ी ही इजी तरीके से हम लोग कर सकते हैं। देखिए किया, जगह डाल देंगे यहाँ पे, नीचे 1500 आ गया है, ये देखिए असेसमेंट स्कोर, और देन सबमिट करेंगे, देखिए सबमिट हो गया। अगर आप डिक्लेरेशन में जाकर देखेंगे, ये देखिए ये 7 तारीख वाली हमने क्लोज कर दी, अब हमने ये आज वाली अगर खोले, हमने कर दिया था, अब इसको सबमिट करेंगे, देखिए ये भी सबमिट ले लिया। अब हमारी सिर्फ एक डिक्लेरेशन ये कल की स्वच्छ भारत की बची है, जिसको हम कर देंगे और ये हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप अपनी पुरानी डिक्लेरेशन को क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, सो कृपया करके मेरे इस वीडियो को ज़रूर देखिए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मैं कोशिश करूँगा मैं और वीडियोज़ इसमें लाऊँ, और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।